Now, ये क्वेश्चन जो है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज थ्री टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड द एंगल इज, एंगल कितना होगा अगर ये कंडीशन हो, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक एंगल है, सपोज दिस इज द एंगल एंड से इट इज 60 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, है ना, एक लाइन को क्या करिए आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये सप्लीमेंट हो जाएगा या सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये जो भी एंगल दिया हुआ है यहां पर 60 हो या एक्स हो कुछ भी हो, तो यानी अगर सप्लीमेंट एंगल निकालना है किसी भी सप्लीमेंट एंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सप्लीमेंट एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दैट एंगल। जो भी एंगल है उसको 180 डिग्री में से घटा दीजिए तो आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। दिस इज व्हाट द सप्लीमेंट्री एंगल इज। नाउ हाउ डू यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज वी आर हैविंग एन एंगल लाइक दिस, ये कोई एंगल है हमारे पास, सपोज एक्स है, इसको मोटी लाइन से बना दो। सपोज कोई हमारे पास एंगल एक्स है, एक्स नहीं लेते हम वाई ले लेते हैं, यहाँ पर फिर चक्कर पड़ेगा हमें, आप लोग को एक्स हमने यूज कर लिया है दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर वाई ले लेते हैं। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है किसी का, तो आप 90 डिग्री बना दो, क्या बना दो, आप 90 डिग्री बना दो किसी भी एक एंगल पर, है ना, थोड़ा सा दूर बन गई लाइन तो मैं सही कर देता हूँ, यानी आप क्या बना दो 90 डिग्री बना दो। तो अब ये वाला जो एंगल होगा ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या डेफिनेशन हो गई, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल, यानी अगर वाई है एंगल तो 90 माइनस वाई, ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना, ये तो एक सीधी सी बात हुई। अब हमें आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज थ्री टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का थ्री टाइम्स है सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का थ्री टाइम्स है सप्लीमेंट, एंगल को मान लीजिए एक्स, लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री, सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, बड़ा कौन सा होगा, बड़ा यही होगा, कह रहे हैं कि ये थ्री टाइम्स है तो इसका मतलब जो थ्री टाइम्स नहीं है उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 माइनस एक्स से 90 माइनस एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 180 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, यही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू थ्री टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स 90 माइनस एक्स, इज इट और नॉट, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 किया 27, 270 माइनस 3x, बात समझ में आ रही है, 180 270 270 को यही छोड़ते हैं 180 को, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 180, 9 दिया 27, 9 दुनी 18, तो यहाँ बचेगा 90, यहाँ बचेगा 2x, x हो गया 45, इज द आंसर, क्या आंसर है, यस आंसर है, ये है, नोट करिए। Now let us move on to the next question, that is question number 40. The sides of a triangle are in the ratio of 4:6:11.
Which of the following words best describe the triangle? कौन से वर्ड ऐसे हैं जो के विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नहीं करना चाहिए, ऑप्शन के अंदर चाहिए. 4:6:11, 4:6:11 इस रेशियो में है ट्राइंगल की साइड. क्यों भाई सिराज, क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा बेटा? वीडियो बंद कर लो, ये जो भी हो, क्या नाम, वीडियो बंद कर लो तुम. मंतशा वीडियो बंद कर लो. क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे. अरे पढ़ा दोबारा से, समझ में नहीं आया बेटा, पढ़ो. वहां पे तुम्हें कोई समझाएगा थोड़ी. अभी तो चलो हम समझ, अभी तो हम समझाएंगे. एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, पढ़ो तो. अरमान क्या क्या होगा जवाब इसका? अरे तुम लोगों को कूलर की आवाज तो नहीं आ रही दादा? मेरे कूलर चल रहा भयंकर. बताओ. अच्छा मैं पानी लेकर आ रहा हूं एक मिनट में, तुम लोग जो है जब तक सोच के बता देंगे. क्या होगा यार इसका आंसर? I think impossible. क्योंकि 90 से छोटा है ना, वो 11 का स्क्वायर रूट होगा. ऑप्शन डी आएगा इसका. ऑप क्यों रहेगा शायद. Impossible. हाँ भाई बोलिए. सर एक्यूट होना चाहिए. जीरो. सर impossible. एक्यूट सर. सर एक्यूट होगा. देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल ऐसा है. बहुत सारे बच्चे. ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है. क्या ये पॉसिबल है? अरे क्या ये पॉसिबल है? अच्छा इन दोनों लाइन ऑफ, इन दोनों लाइन ऑफ पॉसिबल था ये बेटा? पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. यस सर. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों सर? अगर 4 सेंटीमीटर की ये लाइन बनाई मैंने, अरे बड़ा कर, 4 सेंटीमीटर की ये लाइन बनाई और 6 सेंटीमीटर की ये लाइन बनाई, तो अगर इसके एंड से इसके एंड को मिला भी लिया जाए तो भी लाइन कितने सेंटीमीटर की बनेगी? दूसरी मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर की बनेगी. सबसे लंबी तीसरी लाइन 10 सेंटीमीटर की होगी, 10 से थोड़ी सी कम होगी.
और ये लाइन कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है, कितनी दे रखी है 11, तो लाइन मुड़ेगी थोड़ी, ऐसी थोड़ी जाएगी, उल्टी होके थोड़ी जाएगी, ऐसे उल्टी होके थोड़ी जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नहीं आई बात समझ में भाई? चार और छह को जोड़ दो, 4 + 6 = 10 आ रहा है, ये 10 नहीं आना चाहिए, 11 या 11 से ज्यादा आना चाहिए। बात समझ में? रेशियो दे रखा है, रेशियो को आप 1 मान लो तो आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर होगा इम्पॉसिबल। अरे समझ में बात आ गई क्या? यस सर। क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे, आगे बढ़ रहा। ये क्वेश्चन अभी कई लोग ज्यादा आ गए तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। मैंने लॉग वाला तो अभी कराया नहीं क्योंकि लॉग पढ़ाना रह गया है, तो इसलिए वो पढ़ाने के बाद ही होगा, पहले से क्यों करना है मतलब। ये इसको इसको कल मेरे कैंसिल, हाँ कल ज्यादा लोग नहीं थे इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला सवाल बता रहा हूँ, 139 वाला। 139 वाले सवाल को ध्यान से देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब भी सॉल्यूशन पूछा जाएगा, जब भी वर्ड सॉल्यूशन आएगा किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि अननोन की वैल्यू बतानी है, यानी कि अननोन कौन है यहाँ पर x की और y की वैल्यू बतानी है। तो ये वाली चीज ध्यान से देखिए, 22 बटे x + y, 22 बटे x + y को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 22a + 15b = 5। ये एक इक्वेशन बन गई, यानी कि मैंने यहां पर a को क्या लिखा है, मैंने लिखा है a = 1/x + y और b को लिखा है मैंने 1/xb = 1/x - y, isn't or not? तो ये सीधी सीधी इक्वेशन बन गई है, बन गई नहीं बन गई? 22a + 15b = 5। दूसरी इक्वेशन यहां से बता दो, 55a + 45b = 14। तो ये दो इक्वेशन हो गई, यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो, a और b की वैल्यू यहां पुट कर दो और x और y की वैल्यू फिर निकाल लो, ऐसे कर लेना आंसर आ जाएगा। कल बताया भी था, देखो मैंने यहां लिखवाया, कल वो फिर चक्कर पड़ गया, वो हमारी मम्मी क्या है, वो लाइट चली गई उधर की तरफ, वो उनके यहाँ वो नहीं था इन्वर्टर से नहीं लगा हुआ उनका वाईफाई। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन भी पूछते हो तुम लोग। ये क्वेश्चन एक्चुअली में इसलिए पूछा गया क्योंकि थ्योरम याद नहीं है। अब क्वेश्चन है, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल इफ एंगल बी ओ ए, ये ओ है तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री इज गिवेन, सी ओ ए इज इक्वल टू 110, ये वाला एंगल 110, बी ए सी विल बी, यानी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछा है, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, सबसे पहले ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा? 160 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा जरा बताना, फौरन ही बता दोगे ये वाला एंगल कितना होगा, 80। ये एंगल हमेशा आधा होता है। अरे भाई ये म्यूट करो भाई, ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये वही भाई जो बोलना जिसको बोलना है ना बस वो तभी ऑन किया करो अपने माइक को, अरे तुम्हारे मोबाइल ही काबू में ना रहते तुम्हारे, मेरे तो ये बात समझ में आती है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल ये दुगना होता है किसके, इस वाले के। अरे मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा जब सर्किल के तो बहुत सवाल आए थे मैंने तुम्हें। यस सर, यस सर, यस सर, मैं तुम्हें सर्किल भी पढ़ाता रहा था 15 दिन तक। अगर कोई सर्किल हो, यहां कोई एंगल ऐसा दिया हो, एक तो सेंट्रल एंगल हो है ना,
ये वाला एंगल अगर x है तो सेंटर पे एंगल कितना होगा 2x होगा, तो ये वाला एंगल तुमने निकाल लिया, ये 160 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 होगा, सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रही है ना? यस सर, बहुत सिंपल। आगे बढ़ो। ट्राइंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ट्राइंगल बना लेते हैं। AB ये तो 3 मान ले रहे हैं और BC ये A, ये B, ये C और ये हो गई 2 और ये हो गई, ये कितनी है 2.5, ठीक है? बात समझ आ गई? आप कह रहे हैं DEF, तो याद रखो बनाते कैसे ट्राइंगल है, जैसे ये लिखा है ना, जैसे ये लिखा है ABC, ऐसे ही ट्राइंगल DEF बनाना है तुम्हें। तो A की जगह D रखोगे, A की जगह D रखोगे, B की जगह E रखोगे, C की जगह F रखोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, A की जगह D, B की जगह E और C की जगह F, ऐसे रख के ही आप काम करोगे आगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब ये देखना है कि EF जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, EF यानी EF 4 सेंटीमीटर की, यानी BC, तो BC तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ट्राइंगल हमारा बड़ा बनेगा, बड़ा, तो दूसरा जो ट्राइंगल है ये बड़ा बनेगा। ठीक है, और इसका नाम होगा डी ई एफ। बात समझ में आ गई? ये कितनी है, ये 4 है, तो देखो 2 की दुगनी 4 है, तो 3 की दुगनी 6 होगी और 2.5 की दुगनी 5 होगी। अब क्या पूछ रहे हैं ये, देन द पैरामीटर ऑफ डी एफ, 5 और 4 9 और 6 15, सीधा आंसर आ गया 15। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें कंपटीशन में कैसे करोगे तुम, जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, तो तुमने ये देखा DEF की साइड कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रही है, दोगुनी हो रही है, दोगुनी हो रही है ना। देखो EF किसके बराबर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर की दे रखा है EF, तो इसकी सिमिलर साइड कौन सी वाली है EF, ये देखो यहां पर, ये इसका नाम देखो, CB, इसका नाम देखो, ये EF का नाम देखो, EF का नाम BC से लिया जाएगा, आखिर के दो लेटर है ना, BC से लिया जाएगा, ठीक है? और BC कितनी दे रखी है यहाँ पर, BC दे रखी है ये 2 सेंटीमीटर, 2 दे रखी है ना, और ये 4 है, तो यानी ये दोगुनी है, तो हर साइड दोगुनी होगी क्योंकि सिमिलर है ना, तो पैरीमीटर भी दो गुना होगा। तो तुम ABCD का पैरामीटर निकाल लो, ABC का पैरामीटर 3 और 2 5 और 2 7 7.5, 7.5 का दुगना 15, तो ट्राइंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट को बताया जाएगा, वहां पे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है फिगर वगैरह, वहां तो तुम्हें दिमाग में ये आ गया कि हाँ एक साइड दोगुनी है तो पैरामीटर भी दो गुना होगा। अच्छा ये बताओ, अगर साइड दोगुनी है तो एरिया कितने गुना होगा, ये सवाल पूछूंगा मैं। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, अब्दुल गनी तुम बताओ, बताओ अब्दुल गनी, क्या तुम्हारा माइक काम करना बंद कर गया? सूर्यान कितना होगा बताना, एरिया कितने गुना होगा, अगर साइड दो गुनी है तो एरिया कितना होगा? नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ तो इतनी तुमने जो जुमला बोला है उसमें यही आंसर ही बताए थे, एरिया कितना गुना होगा ये तो बता दो। शायान कितना गुना होगा एरिया, अगर साइड दो गुनी है तो एरिया कितना गुना होगा? सिराज कितना गुना होगा एरिया? 4 होगा सर। तुम भी सुन के बोल रहे हो शादमा की बात। अरमान कितना गुना होगा?
क्यों अरमान? यस हाँ, कितने गुना होगा एरिया अगर साइड दो गुनी है दूसरे दूसरे ट्राइंगल की, साइड दो गुनी है, दो सिमिलर ट्राइंगल है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? बताओ भाई जुबैर, कितने गुना होगा एरिया? सर दो गुना ही रहेगा बेटा, उसने सही जवाब बताया था बिल्कुल, बच्ची ने चादमा ने, चार गुना हो जाएगा एरिया, चार गुना। मैंने थ्योरम पढ़ा रखी है उसको देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब ये एक सवाल है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टेंथ आर प्लेइंग फुटबॉल। मान लो एक्स स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट हैं? एक्स है किसी क्लास के अंदर। अब एक्स में भी 40, एक्स में भी 16, एक्स में भी कितने ही होंगे जितने, हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल वाले पूछे, तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टेंथ आर प्लेइंग फुटबॉल। तो टोटल मान लिए हमने एक्स, बात समझ में आ गई? तो फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे? फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे बोलो? फुटबॉल वाले अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ आर प्लेइंग फुटबॉल, वन फोर्थ ऑफ द स्टूडेंट क्लास ऑफ द क्लास इज सिटिंग इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में कितने हैं भाई? ग्राउंड में कितने? ग्राउंड में है एक बटा चार एक्स, एंड रेस्ट 15 स्टूडेंट आर डेकोरेटिंग द स्टेज। बाकी बचे 15, बाकी कितने बचे? 15। बात समझ में आ गई नहीं? रेस्ट कितने हैं? 15। बात समझ में आ रही? तो अगर हम देखें तो x किसके बराबर हो जाएगा? 2 अंडर रूट x प्लस 1/4 x प्लस 15। बोलो होगा नहीं होगा? होगा। तो अब कितना हो जाएगा? 3/4 x माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये पुट कर दो, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल 60 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन है ये? इक्वेशन क्या बनी? 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इससे आंसर निकाल लो y, y के दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, उनमें से जो नेगेटिव होगा उसको रिजेक्ट कर देना, है ना? आपको आप x निकाल लेना, आप क्या निकाल लेना? y के बाद फिर x निकाल लेना। पूछा क्या है आपसे? x नहीं पूछा है, ये बात याद रखना। आपसे क्या पूछा है? फुटबॉल में कितने हैं? तो यानी आपसे क्या पूछा है? 2, यानी 2 अंडर रूट x निकाल लेना, यही आंसर होगा। खुद निकालना, आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे भाई? ठीक है, हाँ कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अखबार में पढ़ा था मैंने ये। अब देखो ये एक बाप है बेचारा, खिलौने खरीदने के लिए गया, गरीब पैसे कम पड़ गए उसके बाद, तो उन्होंने कहा मैं सवाल ही बना दे रहा हूँ इसके ऊपर। इफ प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस्ड 5 रुपीज, इफ फादर कैन बाय 5 मोर टॉयज टू
his children for rupees 300. Then original price of the toy is, what is the price कितना toy का? ये सवाल इसका भैया तुमने जवाब तो दिया ही ना, पता कैसे लगेगा कि क्या क्या जवाब है? इतनी बात सर, ए में 24 इंच है, ए में 24 इंच है, ए में कितना है 24, बी में कितना है, बी में 16 है, 16 जी, और सी में, और सी में 20 है, 20 जी, 20 और डी में 18 है, 18 है सर, इंच लगा हुआ है पूरे में। हाँ, इंच का मतलब एक टॉय की कीमत है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मान लो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय मान लो एक्स, ऑब्वियसली रुपीज होगा ये, ठीक है, रुपीज एक्स, और ओरिजिनल प्राइस एक्स है, और वो वाई टॉय खरीद रहा था, कितने खरीद रहा था, वाई नंबर ऑफ टॉयज कितने खरीद रहा था, वो खरीद रहा था वाई, बात समझ में? तो वाई किसके बराबर हो जाएगा? चुप हो जाओ, क्यों बोल लेता मैं? तीन ही मैंने इसको बेचारी को फ्री कर दिया ऑनलाइन। फाइ किसके बराबर हो जाएगा? 300 अपॉन एक्स। तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी ही आ चुकी है, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है, मतलब टॉय का मतलब ये है कि छोटी छोटी कारें होती है जैसे, तो बहुत सारी कारें खरीद रहा था। मान लो एक कार 20 रुपए की थी, तो 300 रुपए में कितनी कार आ जाती बताओ? 300 रुपए के अंदर जो कार आ जाती है कितनी आ जाती, 15 कार आ जाती। अब उसने कहा, बाप ने बार्गेनिंग करा कि हर कार पे 5 रुपए तो कम कर ले, तो अभी मैं 300 रुपए की खरीदूंगा पूरी, तो यानी अब 15 रुपए की कार है, तो अब कितनी आ जाएंगी, 15 × 96, 6 × 18, अब 21 आ जाएंगी। बात समझ में आई है ना? ठीक है, अरे बोलो। जी सर, जी जी। अब रेट कम कर रहे हैं वो, अब क्या कर रहे हैं वो, रेट कम कर रहे हैं, तो रेट किस में से कम होंगे? x − 5, एक्स में से ही तो कम कर रहा है ना? तो जब 300 को आप x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये y तो नहीं आएगा ना, y से तो ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा, y प्लस 5। क्या दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? सबको आ गई समझ में, जिसने पूछा था उसको आ गई या नहीं आ गई? जी सर आ गई, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे करके निकाल लो इसका आंसर, बताना पड़ता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हेलो, इसके आगे कैसे? हम मैं पढ़ा, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आंधी तो नहीं आ रही? ठीक, अरे तो मैं क्या पता करेगा, चलेगा अंदर। हाँ चल ठीक है, तो मैं अभी पढ़ा लूँ फिर आ रहा हूँ, वही पढ़ लूँ नमाज, ठीक है? हाँ जी, ये कैसे हो रहा? कह रहे हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, रियल इमेज। वो वाले आगे कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या उसमें? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सर, वो पहले वाले की बोल रहा है, जो पहले सवाल है, वो कैसे होगा? हैं? वो x + 5 वाला है सर। ये वाली सही वाली। अरे तो करके देखना ना, तो मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख देना। अरे x y की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में रख देना भाई,
निकाल निकाल, कोशिश करो यार, नहीं होगा फिर देखेंगे, है ना, कोशिश करके फिर देखेंगे। अभी मैं भी दरअसल मेरे दिमाग पे वो लोड है, बीवी बच्चे गए भी, उनको लेने जाना है मुझे। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, रियल इमेज, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो जब लेंस कॉन्वेक्स होता है तो रियल इमेज कब बनती है बताओ, फोकस तो आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट होगा इधर, ठीक है। रियल इमेज कब बनती है, कॉन्वेक्स में तो बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज तो बनती ही नहीं है, ये तो सवाल ही मुझे अजीब सा लग रहा। कॉन्वेक्स लेंस में तो सारी इमेजेस जो हैं कॉनकेव लेंस में ही बनती है, रियल रियल भी बनती है उसमें, इमेज इमेजनरी भी बनती है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स मिल रही है, ये तो रियल कह रहे, रियल तो ये सवाल मुझे ठीक ही लग रहा भाई, ये सवाल जो है ना मुझे ठीक क्या, नहीं आ रहा समझ में, क्या कह रहे, लिख दो, टाइप कर दो, वो कर दो, क्या नाम है, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सर कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनती है सर, रियल इमेज कब बनती है बताओ सर, हर बार बनती है, बस एक स्पेशल केस है। कौन सा स्पेशल केस है बताओ सर, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे के बीच में होती है। कब कब होती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, रियल लेंस है। अरे यार मैं इसको मिरर समझ के कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है ये, दो बार जी सर, जी सर, देखा, तो ये लेंस बना देते, ये आ गया आपको ऑप्टिकल सेंटर, बात समझ में आ गई। अब मुझे दिमाग में दोहराने पड़ेंगे ना, तो इधर भी एफ हो जाएगा, एक इधर भी सी हो जाएगा, एक इसमें टू एफ कर लो, इसको इसको भी टू एफ कर लो, ठीक है। हाँ अब बताओ कब बनेगी, अगर यहां पर रखेंगे तो इमेज बनेगी यहां पर और रियल होगी, इमेज बनेगी यहां पर, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे तो इमेज यहां पर बनेगी, राइट, बात समझ में आ रही है, यस। अगर इधर गए ऑब्जेक्ट को लेके तो क्या हो जाएगा, नहीं यार ये तो गलत बनाया मैंने, तो इन्फिनिटी, ये कहां से पास होगी, ये पैरेलल होने के बाद, ये फोकस से पास होगी, यहाँ होगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी, यहाँ थोड़ी बनेगी, मैं भूल रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसको यहाँ डायग्राम को दोबारा बना सर, इसके पीछे बनेगी सबसे कम, अगर हमने टू एफ पे रखा तो ये टू एफ पे ही इमेज बनेगी, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, बात समझ में आती है। ऑब्जेक्ट को जैसे ही इधर करेंगे हम, अब ध्यान, अब ये मैंने बना लिया और ध्यान में भी मेरे आ गया ये सवाल कैसे होगा, जब हम ये पोजीशन रखते हैं, 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही इमेज बनती है, ये सबको पता है, बात समझ में आ रही है, जी सर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाऊं, इधर खिसका के यहां से लेकर और मैं इंफिनिटी तक ले जाऊं, तो ये इमेज इधर से खिसक कर फोकस पे आएगी, समझ में आ गई बात, यस। तो यहां से लेकर यहां तक इंफिनिटी का डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो ये इमेज एफ फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, समझ में आ रही है बात, तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही, क्वेश्चन में तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, समझ में आ रही बात, क्वेश्चन में तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है,
तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यानी अभी तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही वाला है, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ ट्रेवल कराऊं, यानी 2f से लेकर f तक पहुंचूं, यानी ऑब्जेक्ट f फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इमेज यहां से कहां पहुंच जाएगी, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2f, वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू 2f प्लस 2f इज इक्वल टू 4f, फोर टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। क्या बात समझ आ रही है? अब और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि अभी इमेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब एक और स्पेशल केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां से इधर की तरफ ट्रेवल करा रहे हैं, यहां पर ले आए हम ऑब्जेक्ट को, अब इमेज कहां पे बनेगी, कोई मुझे बताएगा? सर इधर साइड ही पीछे बनेगी, सर इधर ही बन जाएगी, लेकिन इमेज इधर ही होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। बात समझ में आई? वर्चुअल क्वेश्चन के अंदर नहीं है, रियल है खाली। तो हमारा आंसर 4f होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये आंसर है या नहीं, 4f आंसर है। तो भाई क्या है उसमें, क्या है हरमान ने पूछा, जा दिया हरमान उसमें क्या है, ठीक है समझ में आ गया, 4f समझ में आ गया। अच्छा मैं अब सवाल पूछ रहा हूँ इसी सवाल को दोबारा, ये बताओ वर्चुअल और रियल हटा दो, खाली इमेज और ऑब्जेक्ट रखो, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है मिनिमम? है कितना हो सकता, बोलो सर? 4f क्यों? लेस देन एफ हो सकता है, लेस देन एफ आंसर जब कल बोलेंगे हम, लेस देन एफ क्या बोलेंगे, लेस देन एफ, लेस देन एफ क्यों नहीं हो सकता, लेस देन एफ बता। बल्कि ये भी देखना पड़ेगा मुझे रे बना के, जीरो तो नहीं हो सकता, जिस जगह ऑब्जेक्ट है वहीं तो नहीं बन सकती इमेज, ये मैं रे डायग्राम बना के देखूंगा तब बताऊंगा तुम्हें। चलो ठीक है, दो क्वेश्चन बना लेंगे इसके ऊपर, अगले साल के बच्चों को करा दूंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग, फाइनल रेज कैसी है, कन्वर्जिंग है, वी हैव ए रियल इमेज। अबे यार इस मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बच्चे आगे बढ़ते दम काटेंगे। इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव ए रियल इमेज, देखो फाइनल रेज अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो कैसी होंगी, रियल इमेज होंगी, रियल इमेज बनाएंगे, ये बात मुझे सही लगती है। जी आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ बस, आ रहा हूँ बस। ठीक है, तो यही आंसर सही है। इफ द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, वी हैव ए रियल इमेज। जरूरी तो नहीं है इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज ही बनेगी। इफ द इमेज इज वर्चुअल द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, इमेज ही वर्चुअल होगी, द इमेज ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका आंसर क्या है भाई, ए ही है या नहीं? ठीक है ए ही होगा, यही मैंने आपको बताया है पहले से भी कि फाइनल रेज जहां पर मिलती है वहीं पर इमेज बनती है। अगर रेज मिल नहीं रही तो फिर हम मिलाएंगे दूसरी तरफ, तो जो हम मिलाते हैं वो तो हम कंस्ट्रक्शन से मिलाते हैं ना, तो वो इमेजनरी ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि वर्चुअल वो सॉरी इमेजिनरी इमेज बनती है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है ओके, इस सवाल को भी मैंने देखा अभी, तो मैं पहले तो थोड़ा सा चक्कर में आ गया कि कह रहे हैं कि एक रॉड है और एक केरोसिन है ना,
इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम है। और दूसरी बात क्या है, रॉड जो है एक ग्लास रॉड, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि दोनों को यहां केरोसिन ऑयल है, क्या चीज है, केरोसिन ऑयल है, इसके अंदर हमने एक ग्लास रॉड लगा दी, क्या डाला हमने इसके अंदर, एक ग्लास रॉड, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ग्लास रॉड का भी और केरोसिन ऑयल का भी, इसका भी 1.42 है और इसका भी 1.42 है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, एपियर बेंच, क्या ये मुड़ी भी दिखाई देगी जैसी और रॉड दिखाई देती है, क्या ये मुड़ी भी दिखाई देगी, एपियर रेज अबाउट द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर दिखाई देगी या ये, नन ऑफ द अबव, बिकम इनविजिबल, क्या होगा आंसर, क्यों भाई अरमान क्या दे रखा है इसका आंसर, बिकम इनविजिबल, बिकम इनविजिबल, बताओ भाई क्या होगा, ये बैंड क्यों नहीं होगी, बैंड क्यों नहीं होगी, अगर ये बताओ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता तो क्या होता, तो होती बैंड, तो बैंड होती है, कैसी नजर आती, आती कैसी नजर, किधर की तरफ बैंड होती भी नजर आती, मतलब ऊपर उठती भी नजर आती या नहीं, तुम्हें छोटी नजर आती है या बड़ी नजर आती है बताओ, छोटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें जो है वो कैसी नजर आएगी, वो छोटी नजर आएगी। अभी मैंने तुमको कुछ दिन पहले वो स्टिक वाला क्वेश्चन कराया था, तो उसमें ये याद रखना, जब भी कोई स्टिक रॉड कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा या लिक्विड में रखा जाएगा, तो उसकी हाइट अबव द अबव इट्स ओरिजिनल पोजीशन नजर आएगी, उसकी हाइट क्या आएगी, ऊपर की तरफ नजर आएगी, मतलब वो ऊपर से शुरू हो रही होगी, तो उसकी जो भी हाइट होगी वो कम हो जाएगी। अब वो कितनी कम हो जाएगी, ये आप किस रेशियो से निकालोगे, ये आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रेशियो से ही निकालोगे, तो रेशियो से आपको कम होती भी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसको डिनोमिनेटर में रखोगे और जो कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसको न्यूमिनेटर में रखोगे, और कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, जिस मीडियम में हमारी आंख है, वो आमतौर से एयर में ही होता है, तो न्यूमिनेटर में वन ही रखा जाएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे, लेंथ ऑफ रॉड से। लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी वो दूसरी थी, फिश वाली थी, फिश जो थी वो वाटर में थी, रॉड थी ऊपर, तो फिर आपको वहां पर उल्टा करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको खाली पेन से करने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा दिमाग पे हाथ रख के सुकून से जरा दिमाग में इसको याद करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, इस इन सारी बातों को दिमाग में भी याद रखने की जरूरत है, एक बार सोचने की जरूरत है, ताकि आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इस तरह की प्रॉब्लम में, वरना होता क्या है कि 50 सवाल भी कर लिए जब इम्तिहान में पहुंचे फिर वैसे ही कंफ्यूज है ना, मुझे भी अभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मेरे कंफ्यूजन का कोई नुकसान नहीं है मुझे, मैं तो किताब उठाऊंगा पढ़ते देख लूंगा, तुम्हें इम्तिहान में अगर कंफ्यूजन हो गया तो वहां लॉस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी और भी सवाल है यार, मुझे आज माफ करना, मुझे जरा दूर जाना है, मेरी अम्मी के घर है, वो क्या नाम है मेरी, मेरा